खाना खाया मैंने। अब बोलो। हाँ खाना ना खाया मैंने। मम्मी की मम्मी बोली, मेरे से बोली क्या बात है बिट्टू को बंटी, एक बात बताना है मैंने। क्या मम्मी जी? मम्मी जी बोली कि ये लड़की है क्या किसी से बात करती है। तो मैंने कि खाना वाना खा ले, खाए के बाद मैं बताऊँगी। फिर मैंने खाना वाना खाए थे, मैंने बात करी मैंने बेटा कुआ हो, तो मेरे से बोली चिन्नौनी से ऐसे ऐसे फोन आओ कि मैं अंकुश के थे लगवाए हुए गई फोन। अच्छा अंकुश किसका नाम है? जाके लड़का को। अच्छा अब बाने कर ली रिकॉर्डिंग। किसने कर ली रिकॉर्डिंग? इसके लड़का ने, अंकुश ने रिकॉर्डिंग कर ली। अंकुश ने रिकॉर्डिंग कर ली तो मेरे को मालूम नहीं है क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है। उसके बाद में वो रिकॉर्डिंग 10-12 दिन हो गए। मतलब कितने दिन पुरानी घटना है? ये है गए 6-7 दिन हो गए नो मान के। ठीक है। कल मेरे को पता चला तो मैंने पूछी लड़की है, तो लड़की बोली पापा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। वो उसी का फ़ोन आया था, चिन्नौनी से बता रहा था, अमरीश नाम है उसका। और मैंने बोली मैं चाची के से करूँगी, अपने से बात करें। इतनी बात हुई है उसमें उसके। नहीं तो उसके उसके जैसे 6-7 दिन पहले जो बात होने के बाद में उससे उसके बाद लगातार बात फोन आया उसका कि नहीं नहीं एक बार ही नहीं वो फिर कल आया है ना तो कल उधर से ही आया है। मतलब उसका फोन लगातार आया क्या 2-4 बार? नहीं उस दिन बात की है उसने, 2-3 बार लगाया है मेरे मोबाइल पे, मेरे में आवाज़ नहीं आई है। फिर जिसके जाके लड़के से लगवाया अंकुश के थे तो बाने का रिकॉर्डिंग कर लिया। क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है ये हमको मालूम नहीं। तो अब वो क्या आप है? जब घर पे आए तो माता जी ने क्या कहा आपसे? माता जी ने ये क्या रोटी का खाना खा रहा था मैं, तब बोला कि बंटी बात बताना है क्या कोई कचू। मैंने क्या कहा जी? ऐसी ऐसी बात है मैं सुनवे में आई है, मैं गई जा मोड़िए लेके, तो बोले रिकॉर्डिंग है वो पे ऐसे ऐसे जी बात करती है। अच्छा, ये किसने कहा ये वाली बात? ये वाली बात कही है सोरू में। सोरू कौन है? एक है हमारे मतलब गांव में। हाँ गांव। अच्छा हाँ हाँ। तुम अपनी लड़की को डांटो, हमारा कोई वो नहीं। अच्छा ठीक है साहब। घर आई मम्मी, मैं खाना आना खाया मैंने, बातचीत करी तो मैंने जी पूछी मैंने बेटा फोन को फोन से बात करते है। बोले पापा मैं कहूँगी कहाँ फोन ना लगाया, ये लम्बर आया है और इससे बात हुई है मेरे से बोल लिया था, मैं वैसे बोल लिया हूँ चिन्नौनी से अमरीश से बोल लिया। फिर क्या मतलब बोलने के बाद क्या कहा उसने? मतलब जो कुछ नहीं, मैंने कही चल ठीक है सवेरे अपन बात करेंगे, फोन पे रिकॉर्डिंग है आप ऐसे लड़की अपनी बोल रही है तो अपन विश्वास रखना चाहिए ना का। तो सवेरे मैंने कही तो सवेरे संजा खाना आना खा के बढ़िया सोए हैं, मम्मी सोई, मेरी मम्मी सोई, मैडम सोई, लड़का सो, लड़की सोई, सो मैं दूसरे कमरा हूँ बगल से। कल की बात मतलब कल खाना वाना खा के सोए सोए हैं शाम को। सवेरे 7-6 बजे के टाइम पे भैंस भैंस बांधी है सब, चाय बना के लाइए चाय दीजिए मेरे को 6 बजे चाय पी के मैं मुँह पौध धोया, तो मैंने कही मैं मम्मी से बोल दूँ क्या कहते हैं पानी गर्म करे धद्दे मोड़ी में कहें, तो मैं अब मंडी जाऊँगा तो बायरा ले जाऊँगा। मैंने फिर चाय पी के आया कि मैंने आवाज़ देवी पर मैंने जी जी तो मुझे बोली कहा कि मैं निशा कहाँ है कि नीचे ही है, तो मैं कमरा में गया तो कमरा को कुंदी लगी अंदर अंदर से कुंदी लगी, तो मैंने देखो बामे थे नो झाँकते हैं तो बामे का है पापे लटकी। अच्छा हाँ पंखे पर लटकी दिखाई दे रही है? पंखा नहीं अलग थे कुंदा हो कुंदे पर लटकी हुई दिखाई दे रही है। कुंदा पर धोती है पूरी कहाँ नीचे मतलब सोती थी ऊपर सोती थी कहाँ से? नीचे नीचे ही सोती थी। अकेली सोती थी? नहीं सब घर के साथ में सोती थी, मेरा लड़का लड़की एक ही बार पलंग पर सोती थी, मम्मी मेरी मैडम भी मैं अलग सोती। ये घटना कितने बजे की है? ये सवेरे 6:30 बजे की है। 6 बजे आपको चाय पिलाई? चाय पी के मैं क्या है चाय पी मैंने मुँह पौ धोया फिर मैं बैठा रहा खाट पर, ठंड पर सर्दी पड़ रही तो मैं क्या है 20-25 मिनट तो हो गए होंगे मेरे को आराम से। फिर मैं आया फिर मैंने मम्मी को अपनी को आवाज़ लगाई, मैंने मम्मी निशा कहाँ है? मम्मी बोली कि नीचे ही है, तो मैंने देखा तो कुंदी लगी। फिर मैंने सगन ने आवाज़ दी, छोटा भाई है मेरा और भी है सब लोग आए, तो देखा तो उसमें लटकी थी। अच्छा लटके फिर क्या किया आपने? फिर मैंने सब्बल लेके आया, सब्बल से कुंदी ऐसे टोक टोक के अखबार को टूरा ऐसे करके नो में, फिर हम अंदर गए तो हाथ हमने किसी ने लगाया नहीं। फिर मैंने थाने में कम्प्लीट 16 नंबर पर बुक किया था फ़ोन, 16 नंबर आई थी, फिर नहीं लिखा पढ़ी करी तब नीचे उतारी, तब क्या कहते हैं फिर तब पोस्टमार्टम के लिए आए। हमने तो कहने का मतलब जी है सर सारी चीज़ हमारी जी है, लड़की मरी है बाकी रिकॉर्डिंग के चक्कर।
अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मतलब ये आपकी बेटी की बारे में जो अफवाह उड़ाने वाला कौन हो सकता है? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग से पता पड़ेगा कि उसी लड़के का फोन है कि दूसरे का है, ये तो रिकॉर्डिंग से पता पड़ेगा। आप हम फोन लगा रहे हैं ना उस लड़के को जो वो बोल रही लड़की का जी नंबर से आया। आपने अपने वहाँ पर जो सूचना दी उसमें इस बात को आपने कहा है कि संबंधित नंबर को वो कॉल कर रहे थे तो उसके कारण ऐसा हुआ है। हाँ। बताइए आपने पुलिस को? बताई ना मैंने पुलिस को, मेरा बयान पे लिखेंगे। अच्छा, बयान पे। अच्छा, स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ। तो मेरे को ये बताइए, जैसे बेटी की आप संबंध हो चुका था, शादी हो चुकी थी? शादी नहीं हुई अभी। तो क्या सगाई कर दी थी? सगाई कर दी थी अभी 20 तारीख को, मतलब 20 नवंबर को। अच्छा अच्छा, 20 नवंबर को आपने सगाई कर दी। हाँ। अभी शादी नहीं हुई है? शादी अभी नहीं, अभी तो 17 साल की थी, मैं सोच रहा दो साल बाद शादी करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मतलब मेरे को ये बताइए कि वो जो कहाँ शादी की आपने, सगाई की आपने? जोरेगढ़ चिन्नौनी। चिन्नौनी। हाँ। अच्छा, मुरैना जिला में। हाँ, मुरैना गाँव है। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? अमरीश। उसी के नाम को लेकर के वो फ़ोन करने वाला फ़ोन करता? मतलब कुल मिला के वो लड़का परेशान करता है। और जे भी मैंने भी उससे भी पूछा मैंने, अगर शायद ऐसा नहीं हो तो मेरे को नहीं बताया था मान के चलो, तो ये बोल रहा था। उसी लड़के को भी फ़ोन लगाया मैंने, अमरीश को भी, तो वो बोल रहा था पापा मैंने नहीं फ़ोन लगाया है ना, मैं लगाता हूँ तो मैं ये छोटे वाले की अपने फ़ोन से लगाएंगे। हाँ, अपने फ़ोन से लगा, मैंने शायद ऐसे दोस्ती में लगा दिया हो तो शायद दूसरा परेशान कर रहा है, लेकिन सारी बात वही। अच्छा, आपको ये लगा के जैसे किसी और नंबर से लगा दिया हो तो हो सकता है वो परेशान कर रहा हो, ऐसा सोचा आपने? बल्कि उन्होंने जो बताया ऐसा बताया नहीं, बोला ना तो हमने लगाया इस नंबर से ना जो हमारे परिवार का नंबर है। अच्छा, तो आपने क्या चाहते हैं आप? अब मैं तो बस जी चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए सर, और इंसाफ के अलावा जो कॉल डिटेल जो बात कराई है उसका वो होना चाहिए कि तेने अगर मान के चलो बात जांच होनी चाहिए, पुलिस से यही चाहते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती किसान मजदूरी करता हूँ। कितने उम्र की थी बच्ची आपकी? मेरी बच्ची है 17 साल की। अच्छा, 16 की लग के 17 में लगी है। कौन कौन है? मम्मी है मेरी, भाई पे मेरी एक लड़का है, छोटा भाई है, इसकी 3 लड़की हैं। अच्छा, मतलब आपको एक बेटा एक बेटी थी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? अभी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो चलो।